स्टेट के सारे चैनल्स मिला लें तो टोटल 48 चैनल होते हैं। इनमें से कुछ रेप्यूटेड चैनल्स के रिपोर्टर्स को हम पर्सनली जानते हैं, उनके दोस्त भी रिपोर्टर्स होंगे। हम उन सबका इस्तेमाल करेंगे, यानी हर चैनल में अपना एक दोस्त, हर चैनल पे अपनी ही न्यूज। शेखर, उन्हें इस केस की सारी जानकारी फौरन ईमेल कर दो। और याद रहे, ये सारे चैनल एक ही टाइम पे एक ही न्यूज को टेलीकास्ट करने चाहिए। लेकिन एक ही टाइम पर क्यों? ताकि कोई भी चैनल देखे तो यही न्यूज देखे। गौतम, रहने दो बेटा, इसमें बहुत खतरा है। खतरों से खेलने का वक्त आ गया है यार। लेकिन एक बात बता, तू सारे चैनल्स पे क्या न्यूज दिखाएगा? अभी अभी हमें एक सनसनीखेज खबर मिली है कि शहर की स्पेशल पुलिस फोर्स ने एक छापे में यह खुलासा किया है कि उन्हें कुछ लोगों के नकली सर्टिफिकेट्स मिले हैं और वो लोग सरकारी और प्राइवेट जगहों पर काम कर रहे हैं। अभी हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, यदि उनमें से आप किसी को पुलिस स्टेशन पे जरूर खबर करें। नाम राम किशन, उम्र 32 साल। इन्होंने सन 2000 में मद्रास यूनिवर्सिटी से MA की जाली डिग्री हासिल की। नाम अक्रम, उम्र 29 साल। इन्होंने क्या बकवास कर रही हो? आपका सर्टिफिकेट भी टीवी पर दिखा रहे हैं। मेरा सर्टिफिकेट? नाम सुकुमार, उम्र 33 साल। साल 2002 में उसने MBBS की नकली डिग्री हासिल की और लोगों का इलाज कर रहा है। नाम गॉडविन कुमार, उम्र 40 साल। 1990 में इसने नकली डिग्री हासिल की और आज एक बड़े चैनल में काम कर रहा है। नाम श्रीनिवास, उम्र 27 साल। भारत यूनिवर्सिटी की 1999 में नकली डिग्री हासिल की। नाम गौतम पांडे, सन 2000 में MCOM की नकली डिग्री हासिल की। पुलिस को इन सभी दोषियों की तलाश है। नाम एंथोनी श्रीधर, उम्र 27 साल। मदुराई के कामराज यूनिवर्सिटी से BA की। कितने लोगों का नाम आया है? कुल मिला के 52। पुलिस डिपार्टमेंट अभी तक कुछ नहीं उखाड़ पाई है और ना ही FIR हुई है। ये सब फेक न्यूज है। कोई तो है जो आप उनको मामू बनाने की कोशिश कर रहा है। सन 2002 में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की नकली डिग्री हासिल की। ये फेक न्यूज एक खतरे की घंटी है। क्या ये सभी 52 लोग एक दूसरे को जानते हैं? इन लोगों के बीच में कोई लेना देना नहीं है। ये अलग अलग जगहों पर काम करते हैं। इन्होंने एक दूसरे को अभी तक देखा भी नहीं है। इसका मतलब इस पूरे मामले में सिर्फ हम ही हैं जो इन सब के बीच की कड़ी हैं। पूरे शहर में हम अपनी 36 कंसल्टेंसी चला रहे हैं। हमारी ही किसी ब्रांच में से ये नकली सर्टिफिकेट्स निकाले गए, मेरा दावा है। टीवी चैनल्स में जो नकली सर्टिफिकेट्स पहुंचे हैं, जा छेती जाके पता लगा कि किस ब्रांच के हैं। ठीक है बापू। ये सारे सर्टिफिकेट तो अन्ना नगर वाली ब्रांच से बनाए गए हैं बापू। तो अन्ना नगर ही वो ब्रांच है जहां से किसी ने हमारे साथ गद्दारी की है? नहीं नहीं, एक मिनट। सिर्फ 51 लोग हैं, 52 नहीं है। ये एक सर्टिफिकेट कहीं और से बना हुआ है। नाम क्या है इस बंदे का? नाम बालाजी, उम्र 28 साल। सन 2009 में इसने राज्य के डॉक्टर अम्बेडकर कॉलेज से लॉ की डिग्री हासिल की और आज जज की आंखों में धूल झोंक रहा है। भाई, मेरा सर्टिफिकेट क्यों डाला? तू मेरा दोस्त है कि दुश्मन? देख यार, लिस्ट के बाकी लोगों को तो हम नहीं जानते, पर तू मेरा ट्रम्प कार्ड है। नहीं भाई, पता है ना मैं कितना फट्टू हूँ, और घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और तेरी जिम्मेदारी मुझ पे है। कुछ नहीं होगा तुझे। तू मेरा दोस्त नहीं, भाई है। नाम बालाजी, उम्र 28 साल। इसने अम्बेडकर लॉ कॉलेज से 2009 में लॉ की डिग्री हासिल की है। मतलब इसके पीछे का कुकड़ कोई और है। ये हमें मास्टरमाइंड तक पहुंचाएगा। लेके आ। ए भाई, ऑफिस के सामने तो पहुंच गया, अब क्या करने का है? देख, अब जो मैं तुझसे बोलने वाला हूँ सुन के घबराना मत। थोड़ी ही देर में वो लोग तुझे किडनैप करने वाले हैं। किडनैप? तू गांडो थाई गया हो चुके? देख मेरी बात सुन, जैसे ही वो तुझे किडनैप कर लेंगे, मैं उनका पीछा करते हुए उनके अड्डे तक आसानी से पहुंच जाऊंगा और फिर एक ही झटके में पूरे गैंग का सफाया कर देंगे। तेरी जान खतरे में नहीं है, वो मुझ तक पहुंचना चाहते हैं इसलिए तुझे किडनैप करेंगे, तू टेंशन मत। बस कर भाई, ज्यादा मत डरा, तू दिख तो नहीं रहा है, बचाएगा कैसे? लेफ्ट में 30 फीट की दूरी पर एक ब्लू कलर की बिल्डिंग है, देख, उसकी बैल्कनी में जो खड़ा है वो उन्हीं का आदमी है। तेरे पीछे 20 फीट की दूरी पर जमाल मेंशन में लाल कैप वाला आदमी उन्हीं का है। तेरे लेफ्ट में 30 फीट की दूरी पर दो आदमी बाइक पर बैठे, उनकी नजरें भी तुझ पे हैं।
अब तेरे राइट साइड में एक आदमी चाय का कप लिए खड़ा है। ये सारे के सारे बहुत देर से तेरा पीछा कर रहे हैं। भाई तू किधर है? अरे भट्टू मैं भी तेरे पीछे ही हूँ। ठीक तेरे सामने 50 फीट की दूरी पर लाल रंग की गाड़ी में बैठा हूँ, देख। अब जान में जान नहीं। टपका डालेगा इसको। अबे थोड़ा सबर रख। एक बात तो कंफर्म है, वो भी इधर ही किधर छुपा होगा। उसके बाहर आने तक अपन वेट करते हैं। तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बस एक बार तो किडनैप हो जाए। इन लोग के बजाय यमराज ने किडनैप किया तो? तेरे लेफ्ट साइड में देख, एक लड़का है ब्लू शर्ट में जिसने बैग कंधे पर लटकाया हुआ है। लेफ्ट साइड में ब्लू शर्ट वाला कौन है? हाँ दिखा। उसके पास जा और जब तक मैं ना कहूँ उससे बातें करते रहे। अरे जान ना पहचान, बड़े मियाँ सलाम, लड़की होती तो अलग बात थी यार। चलो ठीक है। हेलो भाई, पहले से आराम है ना? हाँ तो है कौन? भाई कौन क्या, मैं हूँ डॉन, पहचाना नहीं? देर नहीं करते, दोनों को टपका डाल दे। टीवी में तो आया था, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। जाएंगे किधर? तुम्हारी शादी में मिले थे उधर। तू देर शाना मत बन, चुपचाप बैठ। तेरी शादी में पंडित भाग गया था, याद आया? फिर चर्च के फादर ने शादी कराई थी। मेरी शादी भी नहीं हुई है। अब अपना विजिटिंग कार्ड निकाल कर उसे दे। कभी भी सर दुखे तो मालिश के लिए मुझे फोन करना, आई एम अ लॉयर। यार ये जगह मुझे बिल्कुल नहीं पता। गूगल सब देगा, गूगल भाई। ये तो उसको पेपर दे रहा है, बड़ा झोल लगता है भाई। भाई लंच टाइम हो गया, चलो साथ में बैठ के खाते हैं। मेरा असिस्टेंट लंच टाइम में टाइम पास कर रहा है, देखो उधर देखा। अरे भाई मैं तलाक स्पेशलिस्ट हूँ, इधर एक का तलाक करवाया था, इधर ही वो खुजा रहा था। किधर गया वो? किधर? हाँ वो ब्लू बैग वाला है ना, उसकी तलाक परसों ही करवाई शाम को। और एक इंटरेस्टिंग केस, मंदिर के बाहर से जूते चोरी किए थे वो लाल टोपी वाले ने। ये तो अपने भंडारों की तरफ इशारा करके कुछ बोल रहा है भाई। अपन को तो यही टारगेट लगता है। अब अपना कार्ड उसकी जेब में डाल दे, अब निकल। भाई एक बार फिर से बोलता हूँ, सर दुखे ना तो अभी मालिश के लिए मुझे ही फोन करना, आई एम अ लॉयर, सर्टिफाइड हूं, मुझे ऑनलाइन भी इलाज करता हूं, व्हाट्सएप करता हूं। भाई गुड नाइट। उस बैग वाले को लपेट डालो। अबे पता चला क्या कौन है वो? हे भाई, अरे ये कुरियर बॉय है। क्या कहा? कुरियर बॉय है? चश्मिश ने अपन को पोपट बनाया, टपका डाल उसको। चल चश्मिश पकड़ना। ये बका, तेरा प्लान तो सुपर हिट निकला, वो किडनैप करने आ रहे हैं। क्या बात है? नहीं प्लान काम नहीं किया, उल्टा पड़ गया। अब वो तुझे किडनैप करने के लिए नहीं आ रहे। क्या बोला? तो क्या करेंगे? तुझे जान से मारने के लिए आ रहे हैं। तू क्या बात कर रहा है? मम्मी मरी क्यों? अभी क्या सोच रहा है? बचाने बचा नहीं उसको। भाई कुछ तो सलूशन दे। पकड़ो। ए! भाग रहा है। क्या कर रहा है? यार उनसे पंगा लेने की क्या जरूरत थी? उनका नेटवर्क बहुत कड़क है, वो लोग उसे मार डालेंगे यार। कुछ नहीं होने दूंगा उसे। Ah!
बुरखा उतार। अरे अभी तो आया हूँ खाना खाने के लिए, खाना खाके मैं तुरंत आ जाऊंगा। आज स्कूल की छुट्टी है, आप मुझे मॉल ले जाएंगे ना? क्या करो? पापा उसको दबोच लिया। एक फंटर बीच में आ रहा था पर वो अपन लोग का कुछ नहीं उखाड़ पाया। पुल्लू दा पट्टा, ओए तूने उसे किडनैप नहीं किया बल्कि उसने तेरे सामने चारा डाला और तू गलत बंदे को उठा लाया। उसे सबूत चाहिए, अब वो हर हालत में हमारा टुनटुना बजाएगा। इससे पहले कि हमारे धंधे में आग लगे उस बंदे के साथ साथ सारे सबूतों को आग लगा। ठीक है पापा। ए सुना डाल इसको, बंदे हाथ पैर उसके, अपने काले कारनामों की फाइल निकालो जल्दी, सारे सबूत इसके ऊपर चटाई की तरह बिछा डालो। पेट्रोल में नहला डाल इसको।